हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे, मेरे ख्याल से हम 13 तक आ गए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 14th वाला और 15th वाला। हम जो न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं वो टॉपिक के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, आज जो न्यूमेरिकल्स होगा 14th एंड 15th वाला, वो बेस्ड होगा एक कंसेप्ट पे जो है इक्विलिब्रियम, है ना। जब कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको थ्योरी के वक्त समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझते समझते हमको समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल पढ़ना। आपके स्क्रीन पे है अ 2 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक। प्लैंक मतलब एक लकड़ी का फड़ी है, मराठी में उसको फड़ी बोलते हैं, लाकड़ा की फड़ी है। ठीक है, ऑफ मास 20 kg इज पाइवोटेड, मतलब उसको सपोर्ट किया गया है, सपोर्टेड फ्रॉम बिलो लिखा है, एट 0.5 मीटर फ्रॉम आइदर एंड फुल स्टॉप। अ पर्सन ऑफ मास 40 kg स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस पाइवट्स टू द फार्दर एंड। हाउ फार कैन द पर्सन वॉक बिफोर द प्लैंक टॉपल्स। टॉपल्स मतलब ऐसा है प्लैंक, पर्सन यहाँ से इधर चलता आएगा, धीरे धीरे इधर का फोर्स बढ़ेगा तो ऐसा टॉपल हो जाएगा, मतलब थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट होने से पहले पर्सन कितना दूर जा सकता है, न्यूमेरिकल में जो जो दिया है वो चीज हम लिख लेते हैं। 14 नंबर का है, ठीक है, ये वुडन प्लैंक है आपका, ये पूरा वुडन प्लैंक जो है, ये पूरा वुडन प्लैंक है आपका 2 मीटर का। ठीक है, ये उस वुडन प्लैंक का सेंटर है, ये नीचे से दो सपोर्ट है जिसको पाइवट बोला गया है ना, ये पाइवट से दो सपोर्ट है। ठीक है, ये पाइवट है इधर से 0.5 मीटर और इधर से भी, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोला है फ्रॉम आइदर एंड, मतलब दोनों एंड से जो पाइवट है वो है। जो पर्सन है वो एक पाइवट से चालू करेगा, मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूं। ठीक है, और इस पॉइंट को जो ये जो सेंटर है उसको मैं नाम दे देता हूं सी। ये जो है पाइवट, सॉरी ये जो प्लैंक है, ठीक है, उसका मास जो है, उसका मास है 20 kg। इस मास की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास भी एक टॉपिक है, ये पाइवट का पूरा डाउनवर्ड फोर्स आएगा, क्योंकि क्या है, पाइवट के नीचे अगर सपोर्ट नहीं होता तो नीचे जाता, तो ये सपोर्ट पे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, अगर मास इतना है तो फोर्स कितना होता है mg, mg is equal to 20 और g कितना लेना है, हम इसे की तरह 10 लेना है, तो 200 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना बड़ा प्लैंक का एक ही मास लेते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर वी कंसीडर दैट होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास और उसका है सी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्रिकल अच्छी सी फिगर है, जो सिमेट्रिकल फिगर होती है वेल स्ट्रक्चर, उसका हम सेंटर ऑफ मास आराम से निकाल सकते हैं, जैसे स्पीयर का भी सेंटर हो गया, रिंग का भी सेंटर हो गया, है ना, सर्कल का, वैसे ही क्यूब का भी सेंटर, इसका भी क्या आएगा, सेंटर ही आएगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होता है, जो फिक्स्ड या सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है उनका। ठीक है, तो 200 न्यूटन इसका फोर्स हो गया। अभी हमको एक बंदा चाहिए जो बंदा इधर से जाएगा, एक एंड से चालू करेगा जैसे न्यूमेरिकल में दिया है, दूसरे एंड की तरफ जाते जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि वो बंदा जो है वो यहां तक आ गया, है ना, यहां तक आ गया वो, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है वो ए पॉइंट से और बी तक आ रहा है, या मान लो डी तक आ रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन ओ मान लो, यहां पे आते ही क्या हो गया, टॉपल हो गया, वो जब यहां से यहां तक चल के आ रहा था, जो वुडन प्लैंक था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, एज इट इज था। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही चलते चलते यहां पे आया, टिल्ट हो गया, ठीक है, टॉपल हो गया। तो टॉपल होने से पहले कितना दूर चलेगा, टॉपल होने से पहले कितना दूर चलेगा, तो मान लो ए से इतना दूर आ गया, इतना दूर, चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं AM, तो हमको AM निकालना है, या फिर हम OM भी बोल सकते हैं, कुछ भी निकालो, लेकिन आंसर लिखते हो ढंग से लिखो, ठीक है, AM निकालो या OM निकालो, एक ही बात है। देखो ये पूरा जो है, पूरा 2 मीटर का है,
पूरा कितने मीटर का है? दो। ये सपोर्ट ने इधर से आधा मीटर खा लिया, ये सपोर्ट ने इधर से आधा मीटर खा लिया, तो ये कितना हो जाएगा? आधा आधा एक खत्म, ये एक मीटर। फिर से ये तो सेंटर है, सेंटर से अगर गिनेंगे तो ये वापस 0.5 हो जाएगा, और ये वापस कितना हो जाएगा? 0.5। और ये आदमी जो है एम पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस बी पॉइंट से कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ये डायग्राम आपको बनाते आनी चाहिए, डायग्राम अगर आ गए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करने की चीज क्या है कि आदमी यहां से यहां तक आ गया, तब तक इस जो वुडन प्लैंक है उसके पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट था, टॉपर नहीं हुआ। मतलब जब तक आदमी इस पॉइंट एम तक पहुंचेगा, तब तक हमारा वुडन प्लैंक क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कुछ भी उसमें डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट नहीं है। जिस स्टेट में है बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसी स्टेट में वो रहेगा, चाहे उस पर कितने भी फोर्सेस एक्ट हो, इस पर हो रहे हैं। ये रिएक्शन देंगे दोनों सपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये खुद बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और ये बंदा, ये जो आदमी है, वो जैसे जैसे चलती जाएगा वैसे वैसे फोर्स का पोजिशन बदलते जाएगा। पर्सन का भी मास दिया है उन्होंने, कितना मास दिया है? उन्होंने दिया है 40 किलो का है आदमी, ठीक है, 40 किलो का है। तो 40 किलो की वजह से उसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो भी इस प्लैंक पर लग रहा है। लेकिन ये प्लैंक का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो प्लैंक अभी भी इक्विलिब्रियम में है। कब तक? जब तक वो एम तक पहुंचेगा, तब तक। एम पे जैसे ही पहुंचेगा वुडन प्लैंक में, मोमेंट आ गई, टॉपल हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो हमको ऐसा डिस्टेंस निकालना है आदमी वहां तक जाए जब तक हमारे वुडन प्लैंक का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है वुडन प्लैंक का, वो किस पे होता है? इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन तीन होती है। पहली कंडीशन सिग्मा एफएक्स जीरो, मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं? जीरो। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक भी फोर्स है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्सेस है उसको कैलकुलेट करो, इधर की पॉजिटिव मान लो, इधर की निगेटिव मान लो, ठीक है, उस तरह के सारे फोर्सेस की एडिशन करो, अगर जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम है। हमको यहाँ पे बोलना है कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब आदमी एम पॉइंट पे पहुंचेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एम पॉइंट तक का हमको इक्विलिब्रियम दिखाना है, सही करना। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स है वो जीरो। अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस कौन से हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये रिएक्शन जो है ए पॉइंट पे आर वन, ये पहला सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि प्लैंक सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा तो सपोर्ट भी रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये सपोर्ट दूसरा है तो दूसरा सपोर्ट भी यहां से आर टू देगा। ये सेंटर ऑफ मास है, उसकी वजह से 200 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स जाएगा, ठीक है। और आदमी का तो निकालना रहेगा, ठीक है। मैन का वेट कितना है? 40 kg, तो 400 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, वही mg इसकी तरह, ठीक है, mg उसी की तरह 400 न्यूटन। तो ये बंदे का है 400 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, हमने निकाल लिया। तो सारे ये निकाल लिया, अभी बस सिग्मा एफ वाई जीरो दिखाओ, ठीक है। तो कैसे? R1 प्लस R2, ये अपवर्ड, और डाउनवर्ड कौन सा? -200 -400, ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू कितना? जीरो। देयरफॉर R1 प्लस R2, ये 200 उधर जाके प्लस, 400 उधर जाके प्लस, प्लस प्लस प्लस, 400, 200, 600 न्यूटन। कोई जरूरत है नहीं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई जीरो, और थर्ड चीज है सिग्मा एम जीरो। अब ये सिग्मा एम जीरो मतलब क्या है? इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। क्यों? ये जो दो कंडीशन है वो है लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और ये जो कंडीशन है ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो बॉडी पूरे इक्विलिब्रियम में है तो लीनियर इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। तो ये लास्ट जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन। अभी सिग्मा एम या फिर इसको बोलते हैं सिग्मा टाउ इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। कहां पे? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो। और जब भी आपको ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएगा और जब भी आपको सिग्मा
एम जीरो बताना हो, ऐसा पॉइंट चूज करो, ऐसा पॉइंट चूज करो जहां जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, टॉर्क का डेफिनेशन बन जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या फिर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है उस पॉइंट का, कहां से, लाइन ऑफ एक्शन से। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, उसी को लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही। तो अगर ये फोर्स है बी पॉइंट में से पास हो रहा है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन का अगर हमको टॉर्क भी यहां पे ही निकालना है, तो इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट में से जा रही है, और वहां से उसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मुझसे मेरा ही डिस्टेंस निकालो, कितना, जीरो। तो उस तरह से आगे जब आएगा न्यूमेरिकल वैसा, तो देखना सॉरी, जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस जा रहे हैं उसी पॉइंट पे सिग्मा टॉ या सिग्मा एम क्या दिखाना, जीरो दिखाना, आसान हो जाएगा। ठीक है, काम आसान हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ले लो, मैं सिग्मा एम बी इक्वल टू जीरो बता देता हूँ एट पॉइंट बी, सिग्मा मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू जीरो। और इसमें भी साइन कन्वेंशन है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है मोमेंटम उसको पॉजिटिव मान के चलो, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको निगेटिव मान के चलो। ठीक है, चलिए, कितने फोर्सेस है, एक दो तीन चार, किस पॉइंट में निकाल रहे हो, बी से, तो आर टू का किस्सा खत्म। ठीक है, तो आर टू इंटू जीरो, ठीक है, यहां से ऐसे चलते आते। प्लस दूसरा बंदा है आर्मी वाला फोर्स, देखो आर्मी का फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, उसको यहां से रोटेट करना, ठीक है, इस पॉइंट की डायरेक्शन में लेके जाना है ना, तो ऐसे रोटेट करेंगे। ऐसी वाली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। फोर्स कितना है, 400, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इतना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है एक्स। उसी तरह से ये भी मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, 200 इंटू डिस्टेंस कितना है, 0.5। ये ऊपर है आर वन और ऐसा जा रहा है ना, आर वन ऐसा जा रहा है, ठीक है, प्लस या माइनस, माइनस आर वन इंटू वन, पूरा वन मीटर है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, हमने वर्ड क्या लिखा है, टॉपल्स। टॉपल मतलब क्या, इस पॉइंट पे आएगा जो हमारा वुडन प्लैंक ऐसा था वो टॉपल हो गया, ऐसा ऐसा जैसे ही टिल्ट होगा, या इस पॉइंट से टॉपल होने के टाइम पे क्या होगी, पहली चीज, इस पॉइंट से हमारे इस प्लैंक का कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, जो ऐसा था हमारा प्लैंक वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस सपोर्ट से हमारे इस प्लैंक का कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, देखो ऐसा है ऐसा हो गया, ठीक है, इस आदमी के वेट की वजह से, तो इस पहले सपोर्ट से हमारा कांटेक्ट जो है वो टूट जाएगा, और हमको टॉपल के टाइम का ही निकालना है। तो जब कांटेक्ट छूट जाता है तब आर वन भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो नीचे लिखना, वेन प्लैंक टॉपल्स, जब हमारा प्लैंक टॉपल हो जाएगा आर वन कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज करेंगे, देयरफॉर ये आर टू इंटू जीरो जीरो 400x प्लस ये 200 इंटू 0.5 सॉरी 0.5 मतलब आधा, 200 इंटू आधा 100 माइनस ये आर वन की वैल्यू जीरो डालेंगे, क्यों, टॉपल हो गया अभी, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो 400x इज इक्वल टू माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 100 बाय 400, 1/4, 1/4 कितना होता है, 0.25, तो x की वैल्यू आ गई 0.25। बस ये एक ही चाहिए था, लेकिन अभी डिस्टेंस ढंग से लिखेंगे, दिख रहा है आपको, ओके, तो डिस्टेंस अभी ढंग से लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना है, 0.25। तो फ्रॉम ए पॉइंट से, फ्रॉम ए से आदमी कितना दूर चल जाएगा, 0.5 यहां तक, और ये भी कितना है, ए 0. देखो ये पूरा 0.5 है, उसमें से 0.25 गया, तो ये भी कितना बचेगा, 0.25, तो 0.25 प्लस 0.5 0.75। अगर एंड ओ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम एंड ओ से कितना दूर जा पाएगा, तो एकदम सिंपल है, ठीक है कैसे, ये आधा है, ठीक है, उसके बाद में ये आधा है वन, उसके बाद में
क्या हो जाएगा, ये 0.25, देखो ये आधा, ये आधा 1, और इतना कितना हो गया 0.25, 1 प्लस 0.25 मतलब क्या 1.25 मीटर। तो इतना दूर चल पाएगा आदमी कहां से, एंड ओ से, अगर इस ए सपोर्ट से निकालना है तो ए सपोर्ट से इतना दूर चल पाएगा आसानी, वो तो आप लिख सकते हो यार। तो इस तरह से हमने ये जो इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट लेते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 15th नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है मैं पढ़ता हूँ आपकी स्क्रीन पे है, 2 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब जो सीट चढ़ने वाली होती है ना, ठीक है, ऑफ मास 10 kg इज केप्ट अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ। ठीक है, रफनेस ऑफ द ग्राउंड इज सच दैट इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स उन्होंने दिया हुआ है, मतलब कौन सा, ए फ्रिक्शनल फोर्स है फॉर स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हाफ दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अ मंकी ऑफ मास 20 kg स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द लैडर, हाउ फार कैन इट क्लाइंब अलॉन्ग द लैडर, हाउ मच इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल। लगेगा क्या दिया है, 2 मीटर लॉन्ग लैडर है। ठीक है, जो लाइब्रेरी वगैरह में ना कलर मारने वाले लेके आते हैं साथ में, ठीक है, सीढ़ी बोलते हैं उसको, सीढ़ी है ना, वो है मराठी में सीढ़ी बोलते हैं। 2 मीटर लॉन्ग लैडर ऑफ मास 10 kg इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल, उसको वॉल से ऐसा लटका के रखा, ये वॉल है ऐसे लगाएगा और आदमी इस पे चढ़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये वॉल है, ये हमारा वॉल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, जो कि रफ बोला है उन्होंने, वॉल इज स्मूथ, दिस वन इज रफ, और उसको हमने ये लैडर ऐसे, लैडर हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये लैडर का सेंटर होगा, अभी पता चल गया होगा सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। ठीक है, 2 मीटर की है ये, 2 मीटर, ठीक है इतना, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, 10 kg मास लैडर का 10 kg है, तो डाउनवर्ड फोर्स एम जी, जी कितना लेना है 10, मतलब क्या 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इस सेंटर ऑफ मास से खींचे जाएगा डाउनवर्ड जाएगा। अब इसे डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये बेस है लैडर का, ये वॉल है, वॉल से कितना दूर है 1.2 मीटर अवे है बेस से, इस पॉइंट को नाम देते रहो बी। ठीक है, रफनेस इज सच दैट इट ऑफर्स अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स हाफ दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है बॉटम सरफेस जो है वो रफ है तो वो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। मान लो इस सरफेस पे हमारी, चलो इस यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं R1, यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन R2, और देखो ये वॉल है लैडर ऐसी, जैसे ही मंकी चढ़ेगा तो कॉमन सेंस लैडर हमारी ऐसे ऐसी होती जाएंगी, लैडर ऐसे ऐसी होती जाएंगी, मतलब ये जो पॉइंट है वो इधर इधर जाएगा और इसके स्लाइडिंग को ये रफ सरफेस अपोज करेगा, वॉल के बॉटम की डायरेक्ट, सॉरी लैडर का जो बेस है उसका स्लाइडिंग का डायरेक्शन उस तरफ रहेगा। ठीक है, और हमारा रेजिस्टिव फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, और वो बोला है हाफ ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बेस उधर जाएगा लैडर का तो रेजिस्टिव फोर्स इधर हो जाएगा। ठीक है, मंकी ऑफ मास 20 kg स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर, हाउ फार कैन इट क्लाइंब, मंकी ने यहां से स्टार्ट किया 1, 2, 3 और मान लो यहां तक आ गया मंकी, तो उस पॉइंट को भी मैं नाम देता हूँ एम। ठीक है, और वो डिस्टेंस हम बोलते हैं, वो डिस्टेंस मैं बोलूंगा एक्स, कहां से, यहां से। ठीक है, कितने मास का है वो बेचारा, वो है किधर गया, 20 kg, 20 kg मतलब उसका फोर्स कितना 200, वही सेम से मंकी के लिए भी 20 kg मास है तो फोर्स कितना mg, mg मतलब 12, जी की वैल्यू 10 डाल देंगे 200 न्यूटन, इस तरह से डायग्राम बन जाएंगे, और कुछ करने का जरूरत है अब बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो अभी हमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी वही लगेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे, जब मंकी यहाँ से स्टार्ट करेगा चढ़ना, लैडर पे कोई असर नहीं पड़ेगा,
लेकिन एक पॉइंट आएगा एम, जहां से लैडर क्या हो जाएगी, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले शांत थी, कुछ भी करो कितने भी फोर्सेस लगाओ, इक्विलिब्रियम में थी। जैसे ही मंकी एम पॉइंट पहुंचेगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, लैडर डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। ठीक है, वहां तक का निकालना है। दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ ज्योमेट्री। ये यहां से यहां तक कितना है, दो। ये यहां से यहां तक कितना है, 1.2। हम वॉल का हाइट निकाल लेते, ओ डब्ल्यू बोल देता हूं मैं। ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस यहाँ पे ना ज्योमेट्री बहुत लगेगा आपको, जो क्लास 10 में सिमिलरिटी पढ़ा था ना उसका भी यूज होगा इसमें। ठीक है, देखो ये है कितना है, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। निकालना है मेरे को ओ डब्ल्यू का स्क्वायर, तो डब्ल्यू बी के स्क्वायर में से ओ बी का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू बी कितना है, 2, या फिर आप कितना दिया है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है 1.2 का स्क्वायर 4 माइनस, अभी 12 का होता है 144, तो 1.2 का हो जाएगा 1.44। इसको निकालो कितना हो जाएगा, देखो 4.00 माइनस 1.44, 10 में से 4 गया कितना 6, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे एक बार जाएगा 2.56। 2.56 का स्क्वायर रूट करो, 256 किसका होता है, 16 का, तो 2.56 कितना होगा। ठीक है, देयरफॉर ओ डब्ल्यू कितना जाएगा 1.6, तो ये कितना हो गया हमारा 1.6 लग सकता है। ठीक है, ओके ये हो गया, इतना निकाल लिया। चलो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स 0, डाउनवर्ड फोर्सेस है क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस है क्या, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो एक आर वन है और एक पॉइंट आर, पॉइंट फाइव आर टू है, बाकी तो और कुछ है नहीं ना। ठीक है, ओके, आर वन पॉजिटिव मान लेते हैं और ये आर टू, और जो ये जो सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है उसको निगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस फाइव आर टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर माइनस क्यू, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। R1 is equal to 0.5 R2, ये काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकालनी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कौन सी है, R1 है। ठीक है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये दूसरा कंडीशन बहुत सादा है ना, 1, 2, 3। R2 पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली मैंने, तो डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये 200 और ये 100 इक्वल टू 0, देयरफॉर आर टू इज इक्वल टू 200 उधर जाके प्लस ए बी प्लस 200 प्लस 100 300, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, आर वन इज इक्वल टू 0.5 आर टू, आर टू कितना मिला 300, मतलब कितना 150 न्यूटन, 150 न्यूटन, तो ये हो गया 150 न्यूटन, एक आंसर मिल गया। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है कि मंकी कितना दूर तक जाता है, उसके लिए क्या निकालेंगे, सिग्मा एम जीरो, एम मतलब मोमेंट हा, या फिर टॉर्क ले लो। ठीक है, सिग्मा किस पॉइंट पे, देखो मैंने बोला था आपको जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस जा रहे, बी देखो एक इधर जा रहा फोर्स एक इधर जा रहा, तो इन दोनों की वजह से जो मोमेंट का होगा, अगर इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे तो कितना जाएगा 0, क्योंकि जिस पॉइंट में मोमेंट निकाल रहा हूं मैं उसी पॉइंट से फोर्सेस जा रहे हैं, तो उन पॉइंट्स उन फोर्सेस का जो मोमेंट होगा उस पॉइंट पे 0 होता है, वो ध्यान में रखने का। ठीक है, एड बी निकाल दो मैं। ठीक है, ये 0 दोनों का, बचे कितने, 1, 2, 3 फोर्सेस बचे। ठीक है, तो अभी सारा जो है एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव क्लॉक वाइज निगेटिव वो वाला सब कंसिडर करके हम क्या करते हैं, ये टर्म या फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले आर वन, आर वन देखो इस तरह से है, उसको बी पॉइंट तक आना है, तो कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज निगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस आर वन, और ये डिस्टेंस हमने निकाला था 1.6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना काम में आ गया। अभी ये दो बचे, अभी ये दो बचे। ठीक है, तो देखना मैं क्या करता हूं,
ये 200 डाउनवर्ड है, बी पॉइंट तक आना उसको, तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है हमको, पॉजिटिव, सही ना। देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो 200 पॉजिटिव लेंगे और उसका डिस्टेंस क्या है, ये इसको एक्सटेंड करके इधर क्यू नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। बी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बी क्यू, प्लस अभी प्लस क्यू लिख रहा हूँ, 100 का भी वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे नाम देता हूँ पी, ये है एफ एस, ठीक है, सी पी, या फिर फोर्स ही मालूम है हमको, 100 इंटू ये डिस्टेंस है बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। आर वन निकाल चुके अपन, 150 माइनस 150 इंटू 1.6 प्लस 200 इंटू बी क्यू प्लस 100 इंटू, देखो दो दो अननोन रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, एक बी क्यू मालूम होना चाहिए तो बी पी मालूम होना चाहिए। तो इस ट्राइंगल को ढंग से देखो, ठीक है, थोड़ा घिचिर है लेकिन अच्छे से, बी डब्ल्यू ओ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं बी डब्ल्यू ओ, ये और ये सी पी, सी पी क्लास टेंथ की याद आनी चाहिए, ठीक है, सिमिलरिटी चैप्टर जो है उसका एक मिड पॉइंट थ्योरम है या फिर पीपीटी है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम से अच्छे से जाएंगे। ये ट्रायंगल है उसमें एक लाइन जो जा रही है सी पी, ये लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास बोलते हैं हम, ये जो प्लैंक है या फिर ये जो लैडर है उसके सेंटर ऑफ मास से आएगा, ये पूरा 2 मीटर का है तो ये हमने बोल दिया है 1 मीटर, तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, इस ट्रायंगल के एक साइड के सेंटर से, ये लैडर तो लैडर के सेंटर से पास हो रही है। दूसरी चीज, इस वॉल को हमारी ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, इस वॉल को हमारी ये लाइन जो है वो पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन है अभी तक क्या कर रही है, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और दूसरे साइड को पैरेलल है। तो थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जा रही है, दूसरे साइड को पैरेलल है, तो वो लाइन क्या करती है, वो लाइन थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है, थर्ड साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये है हमारी थर्ड साइड, ये है हमारी थर्ड साइड, थर्ड साइड को भी क्या करेगी, वो बाइसेक्ट। थर्ड साइड पूरा है 1.2, तो बाइसेक्ट हो गए बीपी कितना आएगा 0.6, तो बीपी की वैल्यू कितनी डालनी है 0.6। ये सिमिलरिटी अगर मालूम होगा तो आएगा, तो ये बीपी लिख देता हूं मैं 0.6 इक्वल टू 0, ठीक है। 1 0 इस पॉइंट को कैंसिल कर देगा, 16 इंटू 15 करेंगे 240 और माइनस ये 60 इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये माइनस उधर होके, सॉरी इधर का जो प्लस है उधर होके माइनस हो जाएगा, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, माइनस 240 प्लस 60 ये हो जाएगा 180 अपॉन 200 कट कट है ना, चलो माइनस 18/20 ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 9 अपॉन 10 0.9 आ रहा है आंसर, ठीक है, मीटर। तो ये बी क्यू मिला है मेरे को, ये क्या मिला है मुझको, बी क्यू, बी क्यू कितना मिला 0.9, ये क्या है बी क्यू। अभी हमको ढूंढना है एक्चुअली ये एक्स का वैल्यू है ना, तो वापस एक बीपीटी थ्योरम है आपका उसी से बताता हूं मैं, ठीक है। अभी क्या है आपका, ये बी पॉइंट है, ये एम है और ये डब्ल्यू है, ठीक है, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ एम, बाकी ये मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं। तो इसी इसमें थ्योरम होता है बीपीटी का, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, बीएम अपॉन एमडब्ल्यू, बीएम अपॉन एमडब्ल्यू मतलब दिस, और एमडब्ल्यू लेने से अच्छा है बीडब्ल्यू, इस साइड का रेशियो कैसे ले रहा हूं, बीएम अपॉन बीडब्ल्यू इज इक्वल टू होता है बी और ये है ना क्यू, बी क्यू अपॉन बीओ, ये क्यू है। देखो फिर से बता दो, बीएम आधा पूरा, आधा पूरा ऐसा लिखा, तो याद है भी आधा पूरा, बी क्यू
बी हो। ये थ्योरम है, आपको 10वीं का बुक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी एम मालूम है क्या आपने को, बी एम कितना है, बी एम तो एक्स है, बी डब्ल्यू, बी से लेकर डब्ल्यू तक पूरा लैडर का लेंथ कितना है, टू, बी क्यू, अब बी निकाला हमने 0.9, ठीक है। बी ओ, बी ओ, बी ओ पूरा कितना है 1.2, ठीक है। तो 1.2x is equal to 0.9 into 2, 1.2x is equal to 1.8, है ना, 0.9 into 2 करो, 9 to the 18, x is equal to 1.8 upon 1.2, मतलब 18 by 12, 3 से डिवाइड कर दो 6 by 4, या फिर 6 से डिवाइड कर दो 3 by 2, 1.5 मीटर। एक्स की वैल्यू मिल गई हमको 1.5 मीटर, देखना पड़ेगा आंसर सही है। तो मंकी जो है, मंकी कितना दूर जा सकता है यहां से यहां तक, 1.5 मीटर, है ना, 2 मीटर का लैडर है, 1.5 मीटर तक जैसे भी पहुंचेगा लैडर हमारी स्लाइड हो जाएगी, तो 1.5 मीटर तक जा सकता है। इस तरह से हमने ये वाला न्यूमेरिकल भी देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले कंसेप्ट पे जो है सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट। वीडियो देखते रहो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।